बंगी फैल सके। अच्छा आप लोग की बंगी फाइल, टर्न ऑपरेटर योगेश, वरुण, वैभव, गौरव श्रीवास्तव, गौरव यस किशा। सर, यस तो जो टर्नरी ऑपरेटर या उसको अपन बोल सकते हैं कंडीशन ऑपरेटर, दोनों ही सेम काम करते हैं। ठीक है, देखो इसका यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे आगे चलकर अपने प्रोजेक्ट में। सबको मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा, लेट ए स्क्वल टू मैंने रखा है 500। ठीक है सबको, तो आप लोग स्क्रिप्ट स्टार्ट करके ऐसे लिख देना। देखो लेट ए 500, लेट बी खाली। अब मैंने कंडीशन क्या लगाई, तो ये कंडीशन लगी है ना, इसको बोलते हैं सिंगल स्टेटमेंट। तो मैं लिखा ए इक्वल इक्वल 500 है, अगर होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन चलेगी, और अगर नहीं होगा तो ये वाला कोड चलेगा। समझ आ रहा है सबको? आदित्य एक बना लो फाइल टर्नरी ऑपरेटर नाम से, टर्नरी ऑपरेटर। तो अब मैंने कहा ओके सर, इक्वल इक्वल 500, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट चलेगा, और कोलन के वाला पार्ट कौन चलेगा, फॉल्स वाला। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अभी ट्रू आएगा ना, ट्रू, क्योंकि तो बी में अपन क्या कर रहे हैं, ट्रू स्टोर कर रहे हैं। देखो ये आ गया ट्रू, है ना। ठीक है, अब एक तरीका लिखने का ये होता है, देखो इसमें हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक बी नाम का ना लिया वेरिएबल, ये देखना वेरिएबल, और फिर मैंने क्या लिखा, एक को लिखा 500 है क्या, अगर है तो ट्रू ट्रू वाला पार्ट चलेगा। अब ये ट्रू किस में चला जाएगा, इस बी के अंदर, और अगर फॉल्स होगा तो ये वाला पार्ट चलेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 5000, ठीक है, अब आउटपुट देखना क्या आएगा, अब आएगा फॉल्स। ठीक है, एक ये होता है लिखने का तरीका। देखो ये इसमें मैंने क्या किया, साथ में स्ट्रिंग जोड़ दिया, तो ये प्लस प्लस क्या कर रहा है, कॉन्केट कर रहा है स्ट्रिंग, और जो वैल्यू है ना इनको जोड़ेगा वो, तो आउटपुट क्या क्या आएगा, वैल्यू इज अगर 500 होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू इज फॉल्स। समझ आ गया, इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इसको नोट कर लो। सब नोट कर लें, सब नोट कर लें टर्नरी ऑपरेटर। लेट जा रहा, मिल जाएगा। सही नोट कर रहा,
नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना। नोट हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब देखो ये हमारा क्या हो गया, टर्नरी ऑपरेटर, समझ आ गया। चलो सर इसका आउटपुट क्या आएगा? ये आएगा वैल्यू इज, वैल्यू इज फॉल्स। जिसका नोट नहीं हुआ मैं चैट में दे रहा हूँ, चैट में। अब एक बनाओ फाइल एल्स इफ डॉट एस टी एम एल, एल्स इफ, इफ एल्स तो मैंने देख लिया, इफ एल्स का तो हमने यूज कर लिया था, हम एल्स इफ देखेंगे एल्स इफ क्या होता है। एल्स इफ क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं। थोड़ा माइक बंद कर देना, माइक ऑन। देखो दिख रहा होगा आप लोगों को कि फेल्स में क्या होता है, फेल्स के अंदर दो काम होते हैं। साइलो मेरी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि फेल्स में हम सिर्फ दो काम कर पाते थे, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी। हम किसका यूज कर रहे हैं, एल्स इफ का। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन चेक हो सकती है। देखो अब मैंने यहाँ लिखा है परसेंटेज 40, तो अब ये पहली कंडीशन हम चेक करते हैं क्या लिखा है, परसेंट छोटा है इक्वल है 80 से, सही बात है। अब बीच में एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ट्रू है ना। अब फिर यहाँ पे क्या लिखा, क्या प्री नहीं, हाँ ये क्या था पहले कंडीशन थी, प्री बड़ा या इक्वल है सी से है? तो जी फॉल्स हो गया, ये लाइन फॉल्स होगी ना पहली वाली। फिर यहाँ क्या लिखा है, यहाँ इक्वल 100 से, हाँ सही बात है, मगर ये पहली कंडीशन तो फॉल्स होगी ना। फिर किस पे आएगा, ये इस एल्स इफ पे आएगा। अब ये वाली कंडीशन चेक करेगा, फिर ये वाली चेक करेगा, तो आप बताओ उसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, कौन बताएगा? यू आर इन थर्ड डिविजन। बाकी लोग सीखा था ना अपन ने, बाकी लोग। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या प्री बड़ा है 45 से, छोटा है, तो यही फॉल्स हो गया। अब क्या प्री बड़ा है 33 से, सही बात है, और क्या प्री छोटा है 45 से, सही बात है। तो आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा ना
यू आर इन थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। बाकी लोग देखो आया यू आर इन थर्ड डिवीजन, समझ आया? अब मुझे बताना अब आउटपुट क्या आएगा, कोई और बताए? योगेश तुमने कोई और बताए? बताओ बाकी बताएं बैच में आउटपुट क्या आएगा। You are in merit, sir. बाकी वो लोग देखो ना, लास्ट वाला आया ना सर, लास्ट वाला आया सर, दिस सेंट्रल वैलिड। क्या लिखा है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्री बड़ा है 80 से, सही बात है, प्री छोटा है इक्वल है 80 100 से, ये भी सही बात है, इक्वल लगा है ना बीच में, तो आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट वाला मेरिट नहीं आएगा। अब कोई और बताना, अब बताओ क्या आएगा, अब बीस में क्या आएगा आउटपुट? बाकी और लोग बताएं, बाकी और भी तो बोला करें मैच में। यू आर फेल सर, यू आर फेल सर, है ना? तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने ये पहली कंडीशन चेक करी ये फेल हो गई, फिर आपने वाली कंडीशन चेक करी ये फेल हो गई, फिर आपने ये चेक करी ये फेल हो गई। तो एल्स इफ से अपन क्या कर पाते हैं, एल्स इफ की मदद से हम लोग मल्टीपल कंडीशन चेक कर पाते हैं, समझ आ गया? अगर ये कंडीशन फेल हो रही तो आप ये वाली चेक कर लो, ये वाली फेल हो तो ये वाली चेक कर लो, है ना? समझ आ गया? इसका यूज हम लोग करते हैं जब हम मल्टीपल लॉगिन कराना होता है, जब मल्टीपल कंडीशन चेक करानी होती है तो अपन एल्स इफ का यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है? इसको नोट कर लो। अब देखो इसमें क्या क्या आ गया, इसमें कंपेरिजन आ गया एंड आ गया, इफ एल्स इफ आ गया जो अभी हमने सीखा था। ना सबसे इंपॉर्टेंट जावा स्क्रिप्ट ही है, आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट जावा स्क्रिप्ट है, जब तक आपकी अच्छे से जावा स्क्रिप्ट नहीं होगी ना तो आपको आगे चलकर दिक्कत आएगी। कोई भी वेब डेवलपमेंट जब हम करते हैं ना, चाहे हम जावा से करो चाहे पाइथन से करो किसी से भी करो, पहले हमें क्या समझना होता है, प्रोग्रामिंग को, इफेस क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनके बिना हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अब इसको नोट कर लो। आदित्य शुक्ला मेरी आवाज आ रही है? आदित्य शुक्ला आदित्य शुक्ला बाकी नोट कर लें। नोट हो जाता देना।
नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना। हो गया। यस सर। बाकी लोगों का यस सर। अब बनाओ फाइल स्विच केस। जिनका नोट हो गया वो बना ले फाइल स्विच केस। जिनका नोट हो गया वो बना ले फाइल एक स्विच केस। सबका नोट हो गया ना? मैं नहीं हुआ तो मैं इसे देता हूँ चैट में, इनका नहीं हो पाया हो। लो मैं सबका हो गया होगा वैसे तो। यू फेल, जिसका नहीं हो पाया हो मैं चैट में दे दिया है। देखो जी चलो अब बात करते हैं स्विच केस क्या होता है। नाम सुना आपने स्विच केस का? चलो नाम सुना होगा जिसमें हम लोग केस चेक करते हैं ना। देखो तो हमने लिखा स्विच यहाँ पे और लिखा है डेटा, तो मैंने डेटा में लिख दिया PN125। अब क्या होगा इस केस में जाके वो चेक करेगा तो आप बताएं कौन सा केस ट्रू होगा इसमें। हाँ कि माइक किसी को, माइक ऑफ कर लो, आवाज आ रही है। बताओ कौन सा केस इसमें ट्रू होगा। अब वो पहला केस चेक करेगा तो यहां तो ए लिखा है, ये केस फॉल्स हो गया, ब्रेक से बाहर निकलेगा। केस इसमें जाके चेक करेगा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो लास्ट में नेक्स्ट क्या वाला प्रिंट डॉक्यूमेंट होगा? लास्ट में क्या प्रिंट होगा डिफॉल्ट में? एंटर द वैलिड डी रहा जी। है ना। अब बताना अब क्या आउटपुट आएगा। लास्ट वाला आएगा सर। कौन सा वाला? लास्ट वाला आएगा। यस सर। अब बताओ बाकी लोग, बाकी लोग भी बैच में नहीं है क्या? टुडे इज ट्यूजडे। इस ट्यूजडे। अच्छा ये ब्रेक से क्या हो रहा होगा नीचे वाले पे चला जाएगा वो। यस है ना। ब्रेक से क्या होगा, अपन केस से बाहर निकल जाएंगे। देखो अगर मैं कहता हूँ उसको, सर, जहाँ पे कंडीशन ट्रू होते सर वो रुक जाएगा। रुक जाएगा वो बाहर चला जाएगा। देखो और अगर सोचो हमें ये ब्रेक ना लगाएं, ये ब्रेक है ना ये ब्रेक आएगा। देखो ये डाल दी मैंने, ये बिगड़ा दिया। तो अब देखना आप लोग आउटपुट क्या आएगा। देखो टुडे इज ट्यूजडे, टुडे इज वेडनेसडे।
दिख रहा है आप लोगों को कंडीशन ट्रू अगला वाला भी नीचे चलेगा ना। हाँ वो चेक कर रहा है ना, तो सारे दिख रहा है, वो चला रहा है क्योंकि हमने ब्रेक से बाहर निकाले नहीं उसको। ठीक है नोट कर लो। अब देखो ये जो प्रोग्राम, ये हमने जो प्रोग्राम बनाया था ना परसेंटेज वाला प्रोग्राम, सब लोग इफ एल्स है, इफ एल्स में क्या होता है कंडीशन चेक होती है मल्टीपल, है ना, और स्विच केस में क्या होता है केस चेक करते हैं। अब यही वाला प्रोग्राम है ना, ये वाला प्रोग्राम परसेंटेज वाला प्रोग्राम आपको स्विच केस से बना के लेके आना है घर से, समझ आ गया। इफ एल्स वाला प्रोग्राम आपको स्विच केस से बनाना है घर से, ठीक है ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं बनवाऊंगा। नोट कर लो सब लोग स्विच केस, ये आप लोग ने पढ़े होंगे जब सी पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस या पाइथन आपने जो पढ़ा होगा उसमें सब चीज दी गई होंगी। सब नोट कर लें, नोट हो जाएगा बता देना सब लोग। नोट हो जाए बता देना। स्विच केस कोई डाउट हो तो पूछ लेना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हो गया सर, बाकी लोगों का हो गया सर, हो गया। तो अब एक बताओ,
ये हमने क्या लिखा, स्विच केस और इफ एल्स और ऑपरेटर। हमने भी क्या देखा, स्विच केस कैसे काम करता है, ठीक है, इफ एल्स कैसे काम करता है, ठीक है, और हमने देखे ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे लूप क्या होते हैं, ठीक है, लूप है ना, वाइल, डू वाइल, फॉर, अब हम ये देखते हैं। तो लूप का काम क्या होता है, बताएगा, चलते रहना, चलते रहना, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपका लूप कैसा होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जहां कंडीशन फॉल्स हुई वहां पर क्या करते हैं, लूप से बाहर आ जाते हैं, ऐसे होता है ना लूप, है ना। चलो अब एक बनाओ फाइल आप लोग, वाइल लूप नाम से, वाइल लूप, वाइल लूप। अब समझते हैं वाइल लूप काम कैसे करता है, सब देखो। तो आपको मेरी स्क्रीन पर देखो, यहां पे सब लोग, ये मैं दिखा देता हूं। तो मैं लिखा लेट ए इक्वल टू 10, ठीक है, फिर लिखा ना वाइल। अब सबसे पहले वाइल में क्या होता है, कंडीशन चेक होती है ना। तो कंडीशन मैंने यहां पे क्या लिखी, क्या ए बड़ा या इक्वल है 1 से, सही बात है, ए बड़ा है ना 1 से, तो कंडीशन क्या हो गई, ये ट्रू हो गई। तो अपन इस लूप के अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए, तो अभी जी क्या प्रिंट करेगा, डॉक्यूमेंट और ट्रैट ए में, ए में क्या प्रिंट कर देगा, 10 करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर लिखा है ए माइनस माइनस, इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट, ऐसा 10 माइनस माइनस, ठीक है, 10 में से क्या करना है, एक माइनस करना है। तो अब कितना बचेगी, एक की वैल्यू 9 बचेगी, है ना। तो अब यहां पे कितना आ जाएगा, 10 की वैल्यू 9 आ गया, 9 आ गया। अब फिर क्या चेक हो रहा है, क्या 9 बड़ा इक्वल है 1 से, सही बात है, फिर ए में क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 9, फिर यहां पे क्या होगा, ए माइनस माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा, 8। तो ऐसे फिर अब यहां पे कितना हो गया, 9 की जगह वैल्यू 8 हो जाएगा, 8, अब 8 ही बड़ा है। तो ऐसे ही कब तक घूमता रहेगा, बताएगा कोई, आउटपुट क्या आएगा, वन नहीं हो जाएगा, सही लोग, जब तक ये जीरो ना हो जाए, जीरो, क्योंकि जब ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी ना, जीरो होगी, तब ये कंडीशन, देखो समझो, वन पे तो कंडीशन टू रहेगी ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लग गया, सब लोग, जब यहाँ वन लिखा आपने, जब वन होगा तो इक्वल भी तो लगा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 10, 9, 8, है ना, 1 तक आएगा। जैसे यहाँ पे जीरो होगा वैसे हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और हम लोग क्या हो जाएंगे, लूप से बाहर हो जाएंगे। आ रही बात समझ में आप लोगों को, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, देखो yes, sir. कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, सब लोग चुपचाप मत रहा करो, पूछा करो। ए माइनस माइनस मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट, वन माइनस होगा, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप इस तरीके से लिख लो, बात सेम ही है, ठीक है, समझ आ गया ना। पहले ये कंडीशन चेक होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो अपन अंदर आएंगे, स्टेटमेंट ये प्रिंट होगा, फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, ऐसे घूमता रहेगा, कब तक घूमता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, इसको अपन बोलते हैं लूप, ठीक है, नोट करो उसको। आकाश समझ में आ रहा है, आकाश सिंह, आकाश आपके दोनों को, यस सर, यस सर, यस सर, पूछ लेना कोई डाउट हो तुरंत। तो मैं सोच रहा हाँ कि ऑनलाइन क्लास हो रही है तो सर से कैसे पूछूं, बस ऑनलाइन, ऑफलाइन में क्या है, मैं सामने दिखता हूँ बस, बाकी आप सब पूछ सकते हो डाउट और तुरंत। कोड में एरर आ रही हो तो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, you
सब नोट कर लें। नोट हो गया। यस सर हो गया। चलो अब और देखो, अब इसी में अब इसका आप लोग आउटपुट दो, बाकी सबका हो गया ना नोट। ये वीआर होता है वीआर करने के लिए ना। अब इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आएगा ना सर? 11 तक आएगा। 10 देखो आप बताओ कहां तक आएगा। टेन तक आएगा। इलेवन तक आएगा ना सर। कैसे पहुंच गए आप लोग? नहीं, बाकी लोग भी बोला करें बैच में, मोबाइल में आएगा सर शायद। बाकी लोग और भी बोला करें, बाकी लोग शांत रहते हैं। चलो नोट कर लो, 10 तक ही आएगा। समझाऊं? देखो बी छोटा या इक्वल है 10 से, सही बात है। तो यहाँ क्या प्रिंट हो गया? 1। फिर बी प्लस प्लस 1 में कितना हो गया? 2 हो गया। 2 भी छोटा है, तो ऐसे कब तक तो चलेगा ये? जब 11 होगा तब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो आउटपुट कहाँ तक आएगा? 1 से लेके 10 तक। नोट कर लो। दिव्यांश कुशवाहा जी, आप टाइम पे कभी आओगे कि नहीं? हाँ सर, वो सर मिड सेम चल रहे थे तो कुछ पढ़ा नहीं था, इसलिए सर आ नहीं पा रहा था। अच्छा, हो गया मिड सेम? नहीं सर, कल लास्ट है। अच्छा भाई, छूट रहा है? मैं वीडियो डाल दूंगा ग्रुप में, देख लेना। जो भी तो छूट रहा है, ठीक है सर। एक घंटे की क्लास होती है बस, सही। तो छूट जाएगा फिर आप कुछ दिन बाद टाइम बोलोगे अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। सही है। चलो कोई नहीं, क्या मतलब आपने एक भी क्लास प्रॉपर तरीके से नहीं ली तो मुझे लग नहीं रहा कि आप बैच में टिक पाओगे। नोट हो जाए बता देना सब लोग।
हो गया सबका नोट? यस सर। चलो अब बात करते हैं डू वाइल की, है ना। वाइल तो समझ में आ गया। वाइल में क्या होता है, पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। तो आपने देख लिया होगा जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी तब तक हम लूप के अंदर जा नहीं पाएंगे। और ये प्लस ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस क्या कर रहा होगा, इंक्रीमेंट कर रहा है। माइनस माइनस में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डू वाइल। डू वाइल इतना यूज होता नहीं है। डू वाइल डू वाइल डू वाइल देखो, अब डू वाइल में क्या होता है जानते हो? डू वाइल में और वाइल में डिफरेंस क्या है? डू वाइल में कंडीशन लास्ट में चेक होती है, सबसे एक बार एग्जीक्यूट हो गई होगी सर। हाँ देखो, ठीक है, मतलब डू वाइल में एक बार तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। जी सर। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए 100 लिखा, अब डू आया अंदर चल गया, अब 100 तो प्रिंट कर देगा ना, फिर इंक्रीमेंट हो रहा, फिर कंडीशन चेक हो रही है। सोचो अब कंडीशन जब चेक हुई तो कंडीशन फॉल्स हो गई, और एक बार तो प्रिंट हो गया ना, समझ आ रहा है? वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है? वाइल और डू वाइल में डिफरेंस, वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है और डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है। बाद में चेक, वाइल में एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा, एक बार तो आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो सब लोग। नोट हो जाए बता देना। हो गया नोट? यस सर, हो गया। चलो अब देखो, अब एक बनाओ फाइल फॉर लूप, अब बनाओ फाइल फॉर लूप, सबसे सिंपल लूप फॉर लूप। अब इससे भी एक एडवांस लूप आ गया है फॉर ईच लूप, जो मांगे चल के सीखेंगे अभी। अब देखो इस लूप में क्या है, सारा कुछ एक ही लाइन में हो जाता है। देखो वैल्यू डिफाइन कर दी,
कंडीशन चेक हो गई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। तो अब यहाँ क्या लिखा है, क्या ए छोटा है 10 से, सही बात है, फिर ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये भी घूम रहा है, देखो ये कैसे चलेगा, ए छोटा है 10 से, सही बात है, फिर ये प्रिंट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट लेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। इस तरीके से काम करता है फॉर लूप, ठीक है, नोट कर लो। फॉर लूप सबसे सिंपल लूप होता है, फॉर लूप। हो गया नोट, सर इसका आउटपुट 1 से 9 तक ही आ रहा है क्या? टेन तक आएगा, देखो यहां पे ये लगा लो इक्वल, इक्वल लगा लो इक्वल। ओके सर, ओके सर, जब इक्वल लगाएंगे तभी आएगा टेंटर। हाँ हो गया। यस सर। चलो बाकी लोगों का नोट हो गया। यस सर। यस सर। ये प्रोग्राम देखो, स्विच केस वाला, देखो अभी जो प्रोग्राम को बनाना है ना, परसेंटेज निकालने वाला, जो परसेंटेज का प्रोग्राम निकालोगे ना वो ऐसे ना होगे। मैंने यहाँ पे ले रखी है एक एज 200,
फिर देखो मैंने अब लगाया स्विच केस और इसमें लग दिया ट्रू, स्विच तो यहाँ पे अब ट्रू रहेगा ही रहेगा, मतलब स्विच केस तो चलेगा ही चलेगा इसके अंदर। अब मैंने केस क्या लिखा कि एज बड़ा इक्वल है 15 से, नो एज बड़ी है, फिर एंड एज छोटा इक्वल है 20 से, बड़ी है, तो आउटपुट क्या आएगा, इसमें आउटपुट क्या आएगा देखो, आगे एंटर द वैलिड एज, अरे नोट करो उसको, समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? यस सर। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर ट्रू की बोलती एज लगा दूं तो अब देखो अभी सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब बताओ अब आउटपुट क्या आना चाहिए, बताओ सोलो आउटपुट क्या आएगा? यू आर एलिजिबल। बाकी लोग बैच में है नहीं क्या आज? यू आर एलिजिबल आएगा। देखो यहाँ क्या लिख क्या रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। हाँ, और यहाँ क्या लिख क्या रहा है, देखो अब आप नोट करो, और जब यहाँ पे मैं ट्रू लगा दूंगा तो अब आउटपुट क्या आएगा देखो, बात को समझ में आ रही है, समझ में कुछ आ रही है? देखो समझो, जब आप कंडीशन का यूज करोगे, समझ ना, जब आप स्विच केस के अंदर कंडीशंस का यूज करोगे, है ना, तो यहाँ पे ये वेरिएबल नहीं आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि स्विच केस तो चालू रहेगा, ठीक है, स्विच केस है ना, ये तो चलेगा ही चलेगा, इसलिए अपने यहाँ क्या कर रखा है, ट्रू, तब जाके इसके अंदर जाके वो कंडीशन चेक कर पाएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? स्विच केस तो क्या रखना पड़ेगा, ट्रू रखना पड़ेगा, तब जाके वो कंडीशन चेक हो पाएंगी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ओके सर, ओके। जब भी आप कंडीशन पे काम करें तो याद रखना यहाँ पे ट्रू लेके चलना होता है, ठीक है, नोट कर लो उसको। अब वाला प्रोग्राम बना लेना आप लोग, परसेंटेज वाला।